नमस्कार दोस्तों डीके होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स नए नए डिजाइन और उसी के साथ साथ में होम डिजाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ तो आज भी एक काफी बड़े और बेहतरीन सा प्लान लाया हु और कुछ अलग स्टाइल का प्लान है मतलब ये फ्लैट सिस्टम का प्लान है इसमें हमने चार फैमिलीज बिठाने की कोशिश की है वो किस टाइप में बिठाने की कोशिश की है और किस टाइप में उसका वेंटिलेशन रहेगा इसका डिटेल मैं इस प्लान में समझाने की कोशिश करूँगा तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तो देखिए आज का प्लॉट का साइज़ जो है 50 फीट बाय बावन फीट का है मतलब 52 फीट जो है इसका फ्रंट है और लेंथ जो है उसका 50 फीट है ठीक है मतलब 50 फीट बाय बावन फीट या बावन फीट बाय 50 फीट में ये पूरा प्लान बढ़ सकता है मतलब ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है इसमें आजू बाजू में जो है आपके हिसाब से आप जगह छोड़ सकते हैं ये पूरा अपार्टमेंट या फ्लैट टाइप का प्लान है मतलब नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पर पूरा पार्किंग का एरिया दिया गया है उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पर यह प्लान हमने बनाया है अब यह प्लान जो है हम सेम रिपीट भी कर सकते हैं जितने भी फ्लोर हमको बढ़ाना है यह प्लान हम हम रिपीट कर सकते हैं और अगर ग्राउंड फ्लोर पर आप ए, एक ही प्लान मतलब एक फैमिली बिठाना चाहते हैं और बाकी पार्किंग का एरिया भी छोड़ सकते हैं मतलब इसमें का एक वन बी एच के प्लान जो है आप ग्राउंड फ्लोर पर बना सकते हैं उसके बाद में बाकी का जो एरिया बचता है उसको पार्किंग भी कर सकते हैं तो देखिए प्ला प्लान जो समझने की कोशिश करेंगे फिफ्टी जो फीट है लगभग यहाँ से यहाँ तक है बावन फीट पचास फीट और उसके बाद में बावन फीट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक है और इस प्लान में आप देख सकते हैं दो रोड बताया गया है इस साइड में और एक इस साइड में रोड बताया गया है अब देखिए मेन एंट्री जो हमारी रहेगी यहाँ पर रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग का एरिया रहेगा ग्राउंड फ्लोर पर उसके बाद में यहाँ पर एंट्री करेंगे हम ग्राउंड फ्लोर पर इसको थोड़ा सा ज़ूम करके बताता हूं ताकि आपको डायमेंशन जो है और भी क्लियर नजर आए देखिए ग्राउंड फ्लोर पर जो है हम एक फ्लैट बना सकते हैं इसमें का पीछे एक साइड का यहां पर आप देख सकते हैं देखिए पूरा पार्किंग का एरिया रहेगा ग्राउंड फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर इस टेरके से एंट्री करेंगे हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और इस लैंडिंग पर आ जाएंगे और यहाँ से फिर से टर्न करके इस पैसेज में पहुंचेंगे तो ये जो पैसेज है काफी बड़ा और बेहतरीन सा पैसेज दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद यहाँ ये पैसेज हमको मिलेगा लगभग सोलह फीट दस इंच है यहाँ से यहाँ तक उसके बाद में दस फीट चार इंच है यहाँ से यहाँ तक तो हमारी एंट्री यहाँ पर इस पैसेज में हो जाएगी इसी के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिप दिया गया है लगभग पाँच फीट बाय चार फीट का एक छोटा सा लिप दिया गया है इसका साइज आप बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस लिफ्ट से भी हमारी एंट्री इस पैसेज में होती है और स्टेयर केस की भी एंट्री जो है हमारी इस पैसेज में होती है तो ये जो पैसेज है ये कॉमन पैसेज दिया गया है लगभग हर फ्लैट के लिए आ, यूज आ, आ, हो जाएगा ठीक है तो ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री इस पैसेज में होने वाली है लगभग फीट फीट बाय का पे पैसेज मिलता है उसके बाद में पर आप देख सकते हैं लगभग आपको चार डोर्स नजर आ जाएंगे यहाँ पर एक डोर है जो मेन डोर है हमारे एक फ्लैट का दूसरा जो डोर है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ये दूसरे फ्लैट का है यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा डोर है, है ये एक फ्लैट का है और यहाँ पर चौथा डोर है ये एक फ्लैट का है मतलब टोटल चार फ्लैट बिठाए चार फैमिलीज यहाँ पर ऊपर रहेगी तो पहले आप देख सकते हैं यह फ्लैट हम समझ लेते हैं देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा यहाँ से एंट्री को हो सकती है हमारे लिविंग रूम में देखिए यहाँ पर हमारा लिविंग रूम दिया गया है जिसका साइज है लगभग यहाँ से तेरह फीट चार इंच बाय आठ फीट चार इंच का ठीक है मतलब तेरह फीट चार इंच है लेंथ में है और वीर्थ आप देख सकते हैं आठ फीट चार इंच है तो लिविंग कम डाइनिंग भी इसे कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो हमने लगा दिया है तो यहाँ से इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है यहाँ पर बाथरूम सेपरेट और टॉयलेट सेपरेटली दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोर बताया है इस गैलरी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा गैलरी दिया गया है लगभग तीन फीट विरथ में है तो ये जो हमारे रोड की तरफ गैलरी रहेगा काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिलता है गैलरी के लिए तो ये जो गैलरी है इस लिविंग रूम से यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम है उसके बाद में यहाँ पर डोर है इस डोर से हम गैलरी में एंट्री कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेडरूम दिया है बारह फीट बाय दस फीट आठ इंच का और उसके बाद में यहाँ पर एक किचन दिया है तो ये आप देख सकते हैं ये जो बेडरूम है बेडरूम को इस साइड में भी एक विंडो दिया है आप देख सकते हैं इस साइड में लगभग सात फीट बाय चार फीट का एक विंडो दिया है यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर दिया है ये ग्लास का डोर रहेगा यहाँ से हम इस गैलरी में एंट्री कर सकते हैं ठीक है मतलब बेडरूम को भी काफ़ी बढ़िया बड़ा एक वेंटिलेशन भी मिल सकता है और यहाँ पर एक लुक भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर पूरा स्लाइडिंग डोर हम लगा लगा सकते हैं ठीक है बारह फीट बाई दस फीट आठ इंच का इस बेडरूम का साइज़ है उसके बाद में किचन आप देख सकते हैं लिविंग रूम से ही हम किचन में एंट्री कर सकते हैं किचन में एंट्री करने के लिए यहाँ पर एक आर्च बना दिया है या चार फीट का या तीन फीट का हम लगा सकते हैं अब किचन का साइज़ जो है आठ फीट दो इंच बाय दस फीट आठ इंच का मिलता है और यहाँ पर हम किचन ओटा बना देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा विंडो दिया है पाँच फीट बाय तीन फीट का तो एक फ्लैट एक फैमिली जो है ये फ्लैट यूज कर सकते हैं एक वन बी के फ्लैट है काफ़ी बढ़िया और सब लगभग हर तरफ से यहाँ पर सुविधा दी गई है ठीक है मतलब टॉयलेट बाथरूम भी सेपरेटली दिया है डाइनिंग भी है और गैलरी भी दिया है वेंटिलेशन भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा अब इसी के बाजू में एक फिर से एक फ्लैट आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डोर दिया गया है इस डोर से एंट्री करेंगे हमारे इस हॉल में देखिए हॉल का साइज़ जो है लगभग साढ़े आठ फीट बाय सोलह फीट का है मतलब काफ़ी बड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक डोर भी दिया है इस गैलरी को यूज करने के लिए और यहाँ पर एक विंडो लगा सकते हैं तो यहाँ से इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा ये भी गैलरी भी काफी बड़ी है ये बालकनी जो है काफी बड़ा स्पेस दिया गया है और वेंटिलेशन भी काफी बढ़िया रहने वाला है उसके बाद में यहाँ पर से यहाँ पर भी एक एक छोटा सा विंडो हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ओपन डक्ट रखा है हमने लगभग तीन फीट नौ नौ इंच बाय दो फीट दो इंच का तो यहां से भी इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिलेगा और ये पीछे एक साइड से भी मिल सकता है उसके बाद में आप यहां पर आते देखिए लिविंग रूम से यहां पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम यूज कर सकते हैं यहां पर डब्ल्यू सी और यहां पर बाथरूम बताया गया है तीन फीट बाय तीन फीट का एक छोटा सा डब्ल्यू सी है और तीन साढ़े तीन फीट बाय छह फीट का यहां पर बाथरूम बताया है उसके बाद में यहाँ पर किचन बताया है देखिए किचन का साइज जो मिलता है हमें आठ फीट बाय दस फीट तीन इंच का मिलता है और किचन को एक डोर भी दिया है इस गैलरी को यूज करने के लिए मतलब ये एरिया भी इस साइड में हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक विंडो दिया है तो यहाँ से इस किचन को वेंटिलेशन मिलेगा उसके बाद में लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है अब बेडरूम का साइज भी काफी बड़ा दिया है बारह फीट बाय ग्यारह फीट का इस बेडरूम का साइज दिया गया है और यहाँ पर इसको एक स्लाइडिंग डोर रहेगा रहेगा यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन भी मिलेगा और ये स्लाइडिंग डोर से इस गैलरी को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा गैलरी दिया गया है लगभग दस फीट सात इंच बाय तीन फीट का तो आप देख सकते हैं एक फैमिली यहाँ पर भी रहेगी मतलब ये एक फैमिली के, के लिए एक एक फ्लैट रहेगा और दूसरी फैमिली के लिए एक फ्लैट रहेगा ठीक है मतलब ये दो फ्लैट आपने समझ लिए अब तीसरा और चौथा फ्लैट हम समझ लेते हैं देखिए जो इस साइड पे दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक डोर दिया गया है यहाँ पर यह जो पैसेज है इसी से थोड़ा सा धूमआउट करता करता हो ताकि आपको जो यहाँ पर क्लियर नजर आ जाए देखिए ये जो पैसेज है इस पैसेज से इस साइड में एक फ्लैट है और इस साइड में एक फ्लैट है ये फ्लैट भी समझ लेते हैं यहाँ से हमारी एंट्री होती है इस फ्लैट में यह देखिए यहाँ पर लिविंग रूम रहेगा इसका साइज है साढ़े आठ फीट बाय सोलह फीट का तो इस साइड में जो ऐसा दिया है उसी टाइप में यहां पर भी दिया गया है उसके बाद में यहां पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है इसको थोड़ा सा झूम करके बताता हूं आप देख सकते हैं यह हॉल है ये हॉल कम डाइनिंग है यहाँ पर एक विंडो लगा सकते हैं पीछे एक साइड में एक स्लाइडिंग डोर दिया गया है इस गैलरी को यूज़ करने के लिए उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है यहाँ पर एक बेडरूम दिया है 12 फीट बाय 11 फीट का इस बेडरूम को यहाँ पर एक बालकनी दिया गया है दस फीट सात इंच बाय लगभग तीन फीट का उसके बाद में यहाँ पर एक किचन दिया है किचन का साइज़ भी आठ फीट बाय दस फीट दो इंच का है और किचन को भी यहाँ पर एक गैलरी यूज़ करने के लिए एक डोर दिया है और यहाँ पर एक विंडो दिया है ठीक है ये भी काफ़ी बड़ा और बेहतरीन सा फ्लैट है वन बी के फ्लैट है और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर यहां पर एक डोर रहेगा यहाँ से इस लिविंग रूम में एंट्री होती है तेरह फीट चार इंच बाय फीट चार इंच का इस लिविंग रूम का साइज दिया गया है यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो हम लगा सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है और यहाँ से इसके फ्रंट में से इस गैलरी को यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक डोर दिया गया है ठीक है और यहाँ पर किचन दिया है आठ फीट दो इंच बाय दस फीट आठ इंच का उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो लगा दिया है यहां पर एक बेडरूम बताया है बारह फीट बाय दस फीट आठ इंच का और यहाँ पर एक स्लैडिंग डोर भी बताया गया है कि ग्लास का डोर रहेगा इस गैलरी को यूज़ करने के लिए मतलब आप देख सकते हैं टोटल फ्लैट जो है वन बी एच के वन बी एच के है मतलब एक बेडरूम एक हॉल एक किचन दिया गया है और टॉयलेट बाथरूम सेपरेटली दिया गया है गैलरी भी काफ़ी बड़ा दिया गया है उसके बाद में वेंटिलेशन जो है लगभग हर तरफ से हर रूम को मिल रहा है तो ये फ्लैट जो है आप सेम ऊपर कर रिपीट कर सकते हैं मतलब यहाँ पर जो पूरा प्लान बनाया गया है ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है उसके बाद में सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर भी आप यही प्लान बना सकते हैं आपको जितने भी मंजिल ऊपर बनाना है यह प्लान जो है हम रिपीट कर सकते हैं मतलब टोटल आप दे सकते हैं वन, वन बेच के वन बेच के ऐसे टोटल मिलाकर हमारे चार फैमिलीज यहाँ पर रहेगी और नीचे जो है पूरा पार्किंग का एरिया आप रख सकते हैं या तो आप एक फ्लैट नीचे भी बना सकते हैं तो पचास फीट बाय बावन फीट में यह पूरा प्लान बिठाने की कोशिश की थी आशा करता हूँ कि ये प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आए और पसंद भी है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है सबका रिक्वायरमेंट भी अलग होता है हो सकता है इस प्लान से किसी का फायदा हो सकता है किसी को कुछ आइडियाज आ सकती है या ये प्लान जो है किसी को परफेक्टली किसी के प्लाट पर बैठ भी सकता है तो प्लीज़ किसी और के लिए वीडियो जो है आप शेयर करने की कोशिश जरूर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में और भी हजारों प्लांट्स डिज़ाइन्स और होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी हम इस चैनल पर लाने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में